दो दिन पहले जेड़ा है ना मैं पट्ठे से जेड़ा ना इटा वास्ते पैसे दे आया सी तकरीबन 10,000 तकरीबन इट जी हैगी ना 10,000 इट लैनी सी ते तकरीबन मैं 6,000 इट दे पैसे दे आया सी तकरीबन 54,000 रुपया। ठीक है ते इट जी हैगी 9,000 तो 1,000 मिली सी। एक तो इट जी हैगी महंगी मिली सी, बाद विच मैं दूसरे पट्ठे तो पता किया सी उन्होंने कहा सी 300 गट जेड़ा है 9,000 तो तुहानू जेड़ा पहुँच देंगे। उन्होंने एक तो 9,000 तो सानू इट दी आ 300 रुपए जी इट महंगी मिली आ। दूसरा दो दिन हो गए मैं रोज जाना कहिंदे ने ये तू चल पिछे तेरे इट आई, तू चल तेरे पिछे इट आई। तो मैं अज भी तकरीबन तुम वेख्या हूँ दूसरे विलाग 3 चक्कर लाए ने उन्होंने पट्ठे ते इो कह के आ जाती इतने जेड़ा ना रेहड़े वाला आ जाता रेहड़ी रेहड़े तो उन्होंने भेजनिया सी ते इटा जी थोड़े पिछे मैं बेच देना हूने आ जांदियां हूने आ जांदियां बस ये कह के ते फिर घर में मिस्त्री लगे सी। मिनट बाद मैं घर कला छड़ के जा भी नहीं सकता सी ते हुण भी जेड़ा कहना शाम नूं मैं गया ते फिर जेड़ा हुण मैं उन्होंने फोन किया है ते मैं कहा उन्होंने भी तुसीं इटा भेजनियां कि नहीं भेजनियां। कह रहे कि सुबह असीं भेज देंगे ते 8 बजे। मैं कहा नहीं नहीं 8 बजे की कोई गल नहीं हैगी मेरी उन्होंने नाल जेहड़ी है ना काफी सारी बहस हुई है। मैं कहा यार तुसीं कोई बंदे वाली गल कीती हुई है कि तुसीं इट महंगी दित्ती एक तुसीं भेज नहीं रहे हो। तो अबू जी भी लड़ रहे हैं कि वो जिन्हें तुम एक इट महंगी लई है एक तुम पैसे जेडे है उन्होंने जेडे से पहले दे दिते ने पैसे पहले नहीं देने से बस ये जी गलती की बाकी जेड़ा हूँ सुबह जी बेगम ने क्या है सुबह सुबह जेड़ा मैं उठा देवी तो जावे जाके जेड़ा है ना 6 बजे जावगा तकरीबन दिन बढ़द्या ला ही मैं उन्होंने जहाँ पट्ठे से जाके बह जाना उन्होंने कहना इटा गलाओ 2-3 घंटे उत्थे बैठा फिर जेडिया इटा मिलनिया ने इस तरह जीडिया घर बैठ के इटा नहीं मिलनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल ने बहन भाइयों तो मेहनत करना तुम सारे ठीक ठाक हो सो ते अल्लाह पाक का शुक्र है असं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। तो शाम का टाइम है जी तो बेगम साहब जी हैगी बिस्तरे बना रही है लैबा जी हैगी अपना जो छोटा जि सराहना चाक के लगी बंदी है ये तेरा सराहना है हैं तेरा सराहना है लैबा बोलती नहीं है लैबा जी ने बड़ी गुस्सा कर दी है ते बड़ी जी ना परेशानी बनी अबू जी ने बड़ा ना अबू जी लड़दा पिया पा ना जेडिया इटा के पैसे तुसी पहले दे दिते ने तुसी पागे ला तुसी पहले पैसे दिते ने सही गल है पहले पैसे ना ही देने ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆ ਪਰ ਬੜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾ ਮੈਂ ਯਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾ ਕੰਮ ਜਲ ਗਿਆ ਮਗਾ ਹੀ ਜਾਵਾ ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਿਆ ਰਵੇ ਮੋੜ ਕਾ ਦੇ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਲੋ ਪੈੜੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵੀ ਹੈ गलती जी है साडे को हो गई है चलो कोई गल नहीं लेकिन जिंदगी भी पहली बार काम कराया इना सानू पता नहीं है कि लोग इस तरह जेडे है करते ने मोबाइल से नाल जेडा चार्जर लाया हुआ जेडा ब्लॉग बना रहे ते होर सुनाओ की हाल चाल ने बहन भाइयों के ते गलती तो बड़ी वड्डी हुई है अबू जी ने जी है ना बेइज्जती की कह रहा सी एक तो जरा तुम कुछ दस के इटा लैनिया सी महंगिया लै लिया तो अबू जी असल तो तबीयत जी है ना खराब रहती है मैं नहीं मैं क्या उन्होंने जरा ना तंग किड़ा करना है नाल बिठा के नितिन लैके चली आ लेकिन वह गार ही हो रेंगे ने बाहर जरा ना वो नहीं जाते तो सारे घर के काम जेड़े ना मेरे खाते ही है करके बाकी काफ़ी सारे बहन भाई जेड़े है ना तुम वेख सकते हो कमेंट भी कर रहे हैं कि तुम अबू जी का मशवरा दिता से पहले किसी बहन भाई ने नहीं पता है तुम दसा कि मशवरा दिता कल जी वीडियो अपलोड की उन्होंने भी तुम दस देवे मजबूरी बन गई जो घर जरा ना अचानक जरा ना बनाना पै गया इस करके मजबूरी की बनी है तुम सारा तसली ने सबू जरा ना दसा कि मजबूरी बनी है किस करके जेड़ा ना घर हालांकि ये घर जेड़ा ना पट के सी उच्चा करना सी उच्चा करके फिर बनाना हा इवें ना हाँ पहले साडा मशवरा ये तुम दसना ना मजबूरी बन गई है लेकिन ना इन फायदा भी है ये ना कि अपना नुकसान है लेकिन आप किसी तो फायदा हो रहा ना हाँ फायदा कहता हो रहा तुम सुबह जरा ना लाजमी दसागे लेकिन नुकसान तो जेड़ा है ना काफी सारा उठाना पवेगा लेकिन आप ना पावे जी इन जल्दी जगह बैठे चलो जो बच्चे वे हो गए अपनी नवी जगह मना लवन गे कमा को दिल की आप जेडिया ने इथे रवे हालांकि जेडी ना पक्की तो मकान जेड़ा ना काफी नीवा है ये तो गल इवें ही है
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਸੁਬੋ ਕੱਢਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਬੋ ਤੈਨੂੰ ਖਾਵਣਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਅਈਓ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਜਗਾ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋ ਅੰਬ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੰਬ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਖੂ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰਮ ਬਰਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਰਲੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬ ਜੀ ਅੰਬ ਅੰਬ ਆਪਣੇ ਖਾ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮਰਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਰ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਚਾ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸੌਂਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਾਈਟ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਆਪ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਖਾਨੇ ਆ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਬਿਲ ਅਸਾ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹੂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੂ ਹੂ